गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन वन ह्यूमन एक्टिविटीज। बेटा हमने कल डिस्कस किया था ह्यूमन एक्टिविटीज टू टाइप्स की, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द अर्निंग ऑफ इनकम। ह्यूमन एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा की जाती है और जिसके अंदर एम इनकम को अर्न करना होता है। उसी ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। हमने दोनों ही बहुत स्लाइट डिफरेंस के साथ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्कस किया था। हमने पहले कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अपना प्रॉफिट हासिल करने के लिए कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी एक पर्सन इंडिविजुअल जो है वो उस एक्टिविटी को करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दैट पर्सन और इंडिविजुअल डन बाय द एक्टिविटी विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, और यू कैन से दैट इन द अदर वर्ड्स ओनली टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जिन्हें एक ह्यूमन बीइंग डन करता है, लेकिन उसके अंदर उसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं, इनकम अर्न करना नहीं है, ओनली टू सर्व द सोसाइटी, केवल समाज को फायदा पहुंचाना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट्स, बिजनेस, देन प्रोफेशन एंड देन एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को मैंने आपको कल डिस्कस किया था, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। हम यहां पर अलग अलग बिजनेसमैन की डेफिनेशन बिजनेस के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यहां पर पीटरसन एंड फ्लोमैन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है बिजनेस की, वो है बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्संस एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, वेदर गुड्स और सर्विसेज, फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। उसने यहां पर कहा है कि बिजनेस इज एन एक्टिविटी, बिजनेस एक एक्टिविटी है इन विच डिफरेंट पर्संस, जो कि अलग अलग लोग परफॉर्म करते हैं, एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, उस काम की, उस प्रोडक्ट की, उस चीज की कीमत के इनक्रीज में, वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन, चाहे हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हों गुड्स, सामान एक्सचेंज कर रहे हों, या फिर कोई सर्विसेज हम दूसरे को प्रोवाइड करा रहे हों उसके बदले में इनकम हासिल कर रहे हों, फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, चाहे उसमें हमारा पर्सनल बेनिफिट प्रॉफिट अर्न करना हो या फिर क्या है कोई की भी चीज गेन करनी हो। तो पता ये लगा कि बिजनेस जो है वो दो पर्सन के बीच, दो इंडिविजुअल के बीच, किसी भी प्रॉफिट मोटिव को रखकर उन एक्टिविटीज को करना वो बिजनेस कहलाता है, और इसी बिजनेस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर मनी का अर्न करना पहला फोकसेबल पॉइंट है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अच्छाइयां, इसे आप सेकंड वर्ड में कह सकते हैं फीचर्स, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताया मैंने आपको पहले कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में इसीलिए इंक्लूड किया गया कि दैट एक्टिविटी विच इज डन बिटवीन द टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स ओनली टू अर्न द मोटिव ऑफ इनकम और टू अर्न द प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया बिजनेस इज अंडरटेकन बाय द ह्यूमन बीइंग विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मैंने आपको वहां बताया, उन्होंने एक वर्ड यहां पर ऐड किया है
कि ये जो एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हमने बिजनेस का नाम दिया है, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसकी एक फीचर ये भी डिस्कस की गई है, उसकी अच्छाई ये है कि जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू डन होती है और उसमें अर्निंग जो है वो प्रॉफिट मोटिव होता है और उसके साथ साथ जो है वो नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, उसके अंदर हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी क्या है, फोकसेबल क्या है कि हमारा इनकम अर्न करना है, चाहे वो सेल्स के रूप में हो, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो वेजेस के रूप में हो, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो। तो इसलिए इसको सबसे पहला बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी भी माना गया है। यहाँ पर हमने ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में रिवाइज किया, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद उसको क्लासिफाई किया गया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को, और नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक क्या होता है ये भी मैंने आपको एक कॉम्पैक्ट तरीके से बता दिया। उसके बाद इकोनॉमिक को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर बिजनेस क्या है ये भी मैंने आपको डेफिनेशन पीटरसन एंड प्लोमैन के अकॉर्डिंग बता दी गई। उसके बाद इसी बिजनेस को हमने फीचर्स के रूप में डिस्कस किया, नेचर के रूप में डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में डिस्कस किया, तो पता ये लगा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसीलिए इंक्लूड की गई कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए है, अर्निंग इनकम के लिए है, उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया है, अब इसको आप रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।